थिंग्स विच मेक माइनक्राफ्ट इजी पार्ट वन। जब भी आप माइनक्राफ्ट में लॉग को वुड बनाते हो तो ये प्रोसेस बहुत टाइम लेती है, पर भाई अगर आप उस वुड को दबा के रखोगे तो ये बहुत जल्दी जल्दी होगा, इससे आपका बहुत कम टाइम वेस्ट होगा। जब भी आप माइनक्राफ्ट में अपने घर को बनाने के लिए थोड़े पेड़ हटाते हो और उन पर आप नॉर्मली आग ही लगाते होगे, पर वो आग बहुत धीरे लगती है तो आपको और भी पेड़ों को जलाना पड़ता है और इससे आपका फ्लेंट एंड स्टिक बहुत जल्दी ख़त्म होता है। पर लेकिन अगर आप पहले सेटिंग्स पर जाएंगे फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक रैंडम टिक स्पीड नाम का बटन मिलेगा, अगर आप उसको 100 कर देते हो तो आपके पेड़ बहुत जल्दी जलेंगे। जैसे कि इधर देखो, मैं 100 कर रहा हूँ और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, फिर बैक लो और अभी आप देखो ये पेड़ कितना जल्दी जल गया। मैं एक और बार दिखाता हूँ, पहले मैं एक सैपलिंग लगाता हूँ, फिर उसको बोन मील डालता हूँ और आग लगाता हूँ, देखो कितना जल्दी पेड़ जल गया। तो गाइस इस ट्रिक में अगर आप रैंडम टिक स्पीड को इसमें भी 100 ही रखते हो तो इससे आपके क्रॉप्स बहुत जल्दी ग्रो होंगे। पर लेकिन अगर आपको बिल्कुल लीगली खेलना है, चीटिंग नहीं करनी, तो आप इस फॉर्मेशन में क्रॉप्स को उगाओ, इसमें बहुत जल्दी उगते हैं।